हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, मौलाना फजलुल हक अरबी की फारसी यूनिवर्सिटी के द्वारा फाजिल पार्ट वन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसका एग्जाम आपका दिसंबर 2021 में हुआ था। सेशन 21-23 है, तो 21 में आपका एग्जाम हुआ था। लगभग एक साल के बाद आपका रिजल्ट जारी किया गया है। तो जो भी बच्चे फाजिल पार्ट वन के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे आपको रिजल्ट का PDF डाउनलोड करना है और कैसे अपना रिजल्ट देखना है, सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो लोग जैसे कि आलिम पार्ट वन और पार्ट टू का एग्जाम जो दिसंबर में हुआ था 2021 में, तो उसका भी रिजल्ट तैयार है, जल्द ही आपको अपलोड किया जाएगा। उस पर भी रिजल्ट जैसे ही आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो जो भी लोग चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और किसी भी तरह का डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी हमसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे रिजल्ट डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड, रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले मौलाना माजिदुल हक अरबी की फारसी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो वेबसाइट का लिंक जो फ्रेंड है आपको कमेंट बॉक्स में पिनअप मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे पिनअप रहेगा, सबसे ऊपर ही कमेंट में किया रहेगा, तो वहां से आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि साइड में आपको एक इंपॉर्टेंस लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी में आपको एक रिजल्ट का ऑप्शन शो करे, देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन है। सिंपल से आपको रिजल्ट वाले पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस आएगा खुलकर, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा तो सबसे ऊपर ही देख सकते हैं कि फाजिल पार्ट वन का रिजल्ट दे दिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो भी स्टूडेंट पहली बार यानी कि पार्ट वन का रिजल्ट दिए होंगे पहली बार, तो उन लोगों को रेगुलर पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करना है। जैसे कि सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं कि फाजिल, यहाँ पे जूम करके आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है रिजल्ट फाजिल पार्ट वन अरबिक, ठीक है। अरबिक वाले लोग का है, री एग्जाम यहाँ पे लिखा है। तो री एग्जाम का मतलब यह हुआ कि जो लोग 2020 के सेशन में एग्जाम दिए थे उन लोग फेल हो चुके थे, दोबारा जो एग्जाम दिए थे वो लोग इसको क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। और जो पहली बार एग्जाम दिए होंगे तो यहाँ पे देखिए फिर नीचे ही रेगुलर लिखा हुआ है, तो जो लोग पहली बार एग्जाम दिए होंगे तो रेगुलर पर क्लिक करके डाउनलोड करके अपना PDF खोजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप बोलिएगा कि PDF डाउनलोड कर ले, उसमें आपका नाम ही नहीं मिलेगा, तो ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको जो लोग पहली बार एग्जाम दिए हैं तो रेगुलर पर, और दोबारा जो लोग दिए हैं तो री एग्जाम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अरबिक, पर्शियन, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, हदीस, तफसीर और फका सबका यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे उर्दू का रिजल्ट डाउनलोड करके दिखाते हैं, तो सिंपल से आपको रेगुलर पर जो उर्दू से है उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे उर्दू पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से पहले ही हम PDF डाउनलोड किए हैं, तो डाउनलोड हो जाएगा आपका और ओपन हो जाएगा। इसको PDF फाइल में आपको ओपन कर लेना है, जैसे कि PDF रीडर से ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाजिल उर्दू दिखा रहा है पार्ट वन एग्जाम 2021, दिसंबर 2021 में आपका एग्जाम लिया गया था। इसमें आपको 93 पेज है, देख सकते हैं यहाँ पे बता दिया गया है ये 93 पेज है। तो 93 पेज में आपको नाम, अपना रोल नंबर खोजने में दिक्कत आएगी, तो इस पे सिंपल से यहाँ पे जैसे PDF रीडर ओपन कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ सर्च आइकन का ऑप्शन मिलेगा, या आपका ऊपर भी यहाँ पे भी सर्च आइकन हो सकता है। तो जहां भी सर्च आइकन रहेगा उस पर सिंपल से अपना नाम डालिएगा जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा, या अपना रोल नंबर डालिएगा या रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे बेस्ट होगा कि अपना रोल नंबर डाल के सर्च कीजिएगा, इसे आराम से आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे आपका समझाते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है पहला इनका ले लेते हैं, इनका रोल नंबर यहाँ दिया गया है, रजिस्ट्रेशन दिया गया। उसके बाद आपका 8 पेपर का एग्जाम हुआ था जो कि 100-100 नंबर का था, और सब में आपको पास होने के लिए 33 नंबर लाने थे। अगर 33 नंबर से आपका कम आता है तो आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, 100 नंबर का एग्जाम था, 33 नंबर पास होने के लिए लाना था। टोटल आपको 800 का एग्जाम हुआ था जिसमें 264 नंबर पास होने के लिए लाना था। तो जैसे कि यहाँ पे एक पहला स्टूडेंट जो है कि अब्सेंट है, इसलिए यहाँ AA लिखा गया है, तो इनको हटाते हैं। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका भी एक सब्जेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं अब्सेंट लगा हुआ है, जिसके कारण इनका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग में डाल दिया गया है। और सब सब्जेक्ट में इनका पास मार्क्स से अच्छा नंबर है। देखिए तीसरा स्टूडेंट है, ये भी अब्सेंट है, तो यहाँ पे अब्सेंट लिखा गया। अब देखिए चौथा नंबर जो स्टूडेंट है इनका, देखिए सब में जो पास मार्क्स है उससे ज्यादा नंबर है, देख सकते हैं। तो इनका टोटल 482 नंबर आया है। यहाँ पे सिर्फ पास और दिखाया गया है, जो लोग अब्सेंट है अब्सेंट लिखा हुआ है, और जिनका रिजल्ट पेंडिंग है पेंडिंग दिखा हुआ है।
तो इस प्रकार से रिजल्ट यहाँ पे सारा दिया गया है जो लोग फेल हैं, जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक फेल है, तो इनका पास मार्क्स देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर इनका आया हुआ है, तो इसके कारण ये फेल है। तो ये 2 नंबर, ये तो हो नहीं सकता कि 2 नंबर के लिखे हो, तो कहीं कॉपी आप री चेकिंग, जैसे कि क्या होता है कि अभी जैसे अब रिजल्ट आया है तो फिर से आपको स्क्रूटनी फॉर्म आएगा, कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने से क्या होता है कि आपका कॉपी में फिर से चेक किया जाता है और नंबर बढ़ाया जाता है। तो जो स्टूडेंट एक पेपर में फेल है या 2 पेपर में, तो स्क्रूटनी फॉर्म को भर दीजिएगा, उसमें आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 5 नंबर का स्टूडेंट का देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है, 2 नंबर भी आया हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत ही कम नंबर दिए गए हैं किसी किसी सब्जेक्ट में, तो वह मिस्टेक हो सकता है या टाइपिंग में भी मिस्टेक हो सकता है। तो आप अपने मदरसा से या यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी दिखाते हैं कोई, तो फ्रेंड अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत आ रहा है रिजल्ट देखने में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको रिजल्ट देखकर बता देंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।